हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में कि यानी कि आज 6 जनवरी को जो है यूपी सरकार ने क्या घोषणा की है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान कल्याण की योजना की शुरुआत की है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, किसान कल्याण योजना का मतलब है यानी कि जो योगी सरकार है वो ये चाहती है कि किसानों को जो 3 कृषि कानून आए हैं ना, इनके बारे में अच्छे से समझाया जाए कि इनके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सरकारें जो है हमेशा फ़ायदे ही बताएंगी, इनको नुकसान तो क्यों बताएंगी, जब इन्होंने खुद ही पास किए हैं तो ये नुकसान क्यों बताएंगी, ये अच्छे से जानती हैं कि इनके फ़ायदे ही बताने हैं। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में जो है ना, मैंने एक दिन ये भी बताया था किसानों वाली वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है जो केंद्र सरकार बिल या कानून लेके आए वो राज्य सरकार भी लागू करे। राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर सकती है, अपने हिसाब से उसको लागू कर सकती है। तो बिल्कुल वैसे ही योगी सरकार ने किया है, जैसे राजस्थान सरकार ने इन 3 कृषि कानून में संशोधन करके दे दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही पंजाब की सरकार ने दिए थे। तो अब योगी आदित्यनाथ क्या कर रहा है कि किसानों को अच्छे से समझाया जाए, यानी कि अब वो एक एक किसानों को समझाने वाला है। देखिए, उन्होंने क्या योजनाओं की शुरुआत की है। योगी सरकार ने जो है किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। ये योजना जो है आज से शुरुआत हो गई है, 6 जनवरी से। इसमें क्या है, 3 वीक तक यानी हर बुधवार को किसानों को समझाया जाएगा। और किसानों को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है किसान गोष्ठी बनाई है। इसका मतलब होता है कि किसानों में एक ऐसा लीडर होगा जो किसानों का एक समूह यानी संगठन होगा, जिसको वो अच्छे से समझा पाएगा कि ये 3 कृषि कानून क्या है और इनका क्या मतलब है। दूसरा, इस सरकार ने क्या किया है, कृषि तकनीक यानी किसानों को ये समझाया जाए, उन तकनीकों को दिखाया जाए, बताया जाए कि इनमें जो है हम किस तरह की तकनीकों का प्रयोग करने वाले हैं। और तीसरा, इसने कहा कृषि सेवर्ती सेक्टर यानी कि जो जो भी कृषि से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं वो किसानों को समझाएं कि इनका मतलब क्या है। अब देखिए, योगी सरकार तो कह रही है कि हम 2022 तक जो है किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। अब ये कहते तो हमेशा ही आए हैं, अब 2022 भी आ जाएगा, सिर्फ एक साल ही बाकी है। देखिए, इसने क्या कहा है, योगी सरकार ने अपनी कुछ योजनाएं बनाई हैं कि ये किसानों को बताना चाहती है, समझाना चाहती है कि वो किस तरीके से जो है किसानों की इनकम दुगनी करेंगे। योगी सरकार कह रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि वो किसानों को सम्मानित करेंगे, किस किसान के खेत में कितनी फसल और कितनी अच्छी हुई है, कितनी ज़्यादा पैदावार हुई है, जिस किसान की अच्छी फसल है उसको सम्मानित किया जाएगा, तो उस तरीके से किसानों को जो है जो इनकम मिलेगी। दूसरा, इसने क्या कहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसानों की जो खेत हैं उनमें ज़्यादा फर्टिलाइजर की वजह से या खाद वगैरह जो जहर वगैरह डालते हैं तो उससे किसानों की जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वो उसे एक स्वास्थ्य कार्ड दे रही है, जैसे हमें जीवन बीमा मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही अब जो है खेती का भी जीवन बीमा हो गया। अब देखिए, नई तकनीक, अब किसानों को ये सरकार जो है नई तकनीक के माध्यम से ये सोच रही है कि किसानों का जो खर्चा आता था ना खेती में वो अब जो है आधा हो जाएगा, तो उसके जो नई तकनीक क्या आने वाली है उसके अकॉर्डिंग जो है ये किसानों को समझाने वाली है। तीसरा, इसने क्या कहा है, 0 ब्याज पर कर्ज यानी ये किसानों को जो है लोन देगी लेकिन उस पर ब्याज नहीं लेगी, बिल्कुल भी सुनने के बराबर। और इसमें पांचवा कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि किसानों को लोन दिया जाएगा, या किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते हो ना कि जमीन पे लोन दिया जाएगा। तो ये जो है योगी सरकार की योजनाएं हैं, वो कह रही है 2022 तक जो है इनकम डबल हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें मेन बात तो ये आती है, देखिए इसने जो इस योगी सरकार ने कहा है कि राज्य के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है ना उनमें जो है ये सारे संगठन होने चाहिए, उनमें जो है ये जो भी योजनाएं बनाई गई हैं इन सभी योजनाओं के बारे में अलग से संगठन बना बना के जो है किसानों को समझाने चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि उनकी जो इनकम है वो 2022 तक डबल हो जाएगी और कैसे हो जाएगी और इन बिलों का क्या मतलब है। किसान जो इतने नाराज हैं तो इनको जो है समझाना चाहती है योगी सरकार एक एक करके। अब देखिए हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, मेन बात वो आती है, इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा कि जो योगी सरकार ने किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है कब की थी, तो किसान कल्याण की योजना जो है 6 जनवरी से लागू हुई थी। अगर क्वेश्चन आए कि जो कौन कौन सी हैं योगी सरकार ने जो है योजनाएं बनाई हैं किसान कल्याण के लिए, तो वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नई तकनीक, 0 ब्याज पर कर्ज और किसान
क्रेडिट। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से संगठन नियुक्त किए हैं किसानों को 3 कृषि बिल कानूनों को समझाने के लिए, तो वो हमारा है किसान गोष्ठी है, कृषि तकनीक, कृषि सहवर्ती सेक्टर। और किसान योगी सरकार ने किसानों की इनकम दुगना करने के लिए कौन से वर्ष तक का है, तो 2022 तक का है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है कवर हो गया। देखिए, हमेशा जो है कभी कभी बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाई में हार मान लेनी चाहिए। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, तो इसलिए हमेशा जीतने की जिद भी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हार मान लेनी चाहिए, हार को स्वीकार करने की ताकत भी रखनी चाहिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।